अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th बेटा, माय नेम इज मुदस्सर हुसैन, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और आपको बहुत मुबारकबाद कि आप लोग 9th क्लास के पेपर दिए बगैर ही पास हो गए। तो बेटा, हम 10th क्लास का मैथ स्टार्ट करेंगे। 13 चैप्टर हैं इसमें, बिल्कुल 9th की तरह कुछ एक दो चैप्टर ऐसे हैं जिसमें थ्योरम्स हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिफाइन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट no higher power is called a quadratic equation or an equation of second degree. इसका दूसरा नाम है second degree equation। ऐसी मुसावात जो किसी नामालूम तगयर के मरबा पर मुश्तमिल हो उसको हम दो दर्जी मुसावात कहते हैं, quadratic equation कहते हैं। अगर आपको डेफिनेशन आ जाए कि second degree की डेफिनेशन लिखें तो फिर आप डिफाइन करेंगे a second degree in one variable x of the form ax square plus bx plus c equal to 0 where a not equal to 0 and a, b, c are real numbers is called the general or standard form of quadratic equation। अगर आपको definition आ जाए कि standard form of इक्वेशन लिखी है तो आपने ये वाली डेफिनेशन लिखी है। अगर आपको आ जाए कि आप सेकंड डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें फिर भी आपने ये लिखनी है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन आ जाए फिर भी आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं या ऊपर वाली लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस। एग्जांपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 और इसमें जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यहां पे 1 है वो a के इक्वल होता है, x का जो कोएफिशिएंट है -7 वो b के इक्वल होता है और कांस्टेंट टर्म जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता वो c की वैल्यू होती है। सेकंड डेफिनेशन है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ b इज इक्वल टू 0 इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 देन इट इज कॉल्ड अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो b है वो 0 हो जाए तो आपके पास स्क्वायर वाली वैल्यू रह जाएगी और कांस्टेंट टर्म रह जाएंगी। तो ऐसी इक्वेशंस को, ऐसी मसावात को प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, इसमें x स्क्वायर वाली है और कांस्टेंट है b नहीं है। 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो आपके पास ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको डेफिनेशन की समझ आई होगी। अगर किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो आप उसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।